विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कीमती सुस्ती को बचाओगे और सस्ती सुस्ती को मिटाओगे। कीमती है इसका अर्थ शक्ति है, सुस्ती भी शक्ति है, कीमती है उसकी थोड़ी सी मात्रा। वो कैसे कीमती हो सकती है? उसे सस्ती बनाकर अपने जीवन को सस्ता मत बनाओ। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा
डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे,
इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आपकी सुस्ती कीमती है, उसे सस्ती मत बनाओ। इन शॉर्ट, सस्ती सुस्ती से मुक्ति प्राप्त करो। सस्ती सुस्ती यानी कीमती सुस्ती भी होती है। इस बात को समझ लिया तो कीमती सुस्ती को बचाओगे और सस्ती सुस्ती को मिटाओगे। कीमती है इसका अर्थ शक्ति है, सुस्ती भी शक्ति है, कीमती है। उसकी थोड़ी सी मात्रा वो कैसे कीमती हो सकती है, उसे सस्ती बनाकर अपने जीवन को सस्ता मत बनाओ। तो इस टॉपिक को समझ लें, क्या वाकई सुस्ती कीमती भी हो सकती है? आप जानते हैं कि एक इन्वेंटर थे ग्रीक के, जो बाथ टब में बैठे हुए थे, बाथ टब में पानी में, आर्किमिडीज, यानी अवस्था कैसी है? सुस्ती की है। मगर ये सुस्ती कीमती सुस्ती थी, क्योंकि इस सुस्ती में क्या हुआ? यूरेका। कितने लोग ये कहानी जानते हैं, हाथ ऊपर करें? हाँ, कई लोगों ने ये शब्द सुना है। और ग्रीक में जो शब्द यूरेका आया, उसका अर्थ क्या है? आई हैव फाउंड, मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया। यूरेका अवस्था कैसी थी? सुस्ती की। मगर उसमें क्या हुआ? वो कीमती सुस्ती थी। आप फर्क समझ रहे हो सस्ती सुस्ती और कीमती सुस्ती में। और अध्यात्म में हमें कीमती सुस्ती का उपयोग करना है। स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, वरना अज्ञान में क्या हो चुका है लोगों के अंदर, कहीं तो ये भ्रम हो जाता है कि आध्यात्मिक लोग ज़्यादा काम नहीं करते, सुस्त रहते, मंद हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मगर वे किस कीमती सुस्ती का लाभ ले रहे हैं और उनकी वजह से क्या क्या निर्माण हो रहा है जगत में? वो सुस्ती जो है वो बढ़ानी है, मगर सस्ती सुस्ती घटानी है। तो इसलिए आज का विषय आप समझ रहे हैं, सस्ती सुस्ती को कैसे मिटाएं। स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, ये कर्म में लाती है, सही माने में कर्म करना सिखाती है। अध्यात्म कर्म से पलायन नहीं है। तो इसलिए आप उदाहरण सुन रहे थे आर्किमिडीज का, और उसने कहा आई हैव फाउंड। यही बात कोई खोज कर रहा है अपने अंदर,
ध्यान में बैठा हुआ है और वो खुशी से क्या चिल्लाता है, आई इज लॉस्ट। आर्किमिडीज ने कहा आई हैव फाउंड, और ये क्या कहता है, आई इज लॉस्ट, यानी मेरे अंदर जो मैं था ना वो खो गया। एक ने खोज लिया, एक ने खो लिया। ये कैसे खोजी हैं, ये खोजी हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के एग्जाम्पल आप सुनते हो ना, ये सब क्या है, खोजी हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।